बीकानेर के कसाईयों की बाड़ी मुसाफिर खाने में लगी आग। आग लगने से सामान जलकर हुआ राख। नमस्कार, मैं हूँ सुमिष्ठा बिश्नोई, आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। कसाईयों के बाड़ी मुसाफिर खाने में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। ये घटना देर रात की है, जहां मुसाफिर खाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से गर्म कपड़े जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलते ही मुसाफिर खाने के सदस्य अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तथा सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। लेकिन इस घटना से जनहानि नहीं हुई। पूर्व महापौर मकसूद अहमद ने बताया कि कुछ व्यापारी दिल्ली से अपने कपड़े बेचने के लिए यहाँ आकर रुके थे। उन व्यापारियों ने अपना माल गोदाम में रख दिया था और देर रात शॉर्ट सर्किट होने के कारण उनका माल जलकर राख हो गया। मुस्लिम मुसाफिर खाने में शॉर्ट सर्किट हुआ। यहाँ पे गरम माल पड़ा हुआ था, जिसमें जैकेट और रूम के थे, और दिल्ली के व्यापारी हैं। ये बता रहे हैं, जैसा कि बता, 4-5 लाख रुपये का माल है। नुकसान इनका बहुत ज़्यादा हुआ है, और हुआ ये शॉर्ट सर्किट की वजह से है, क्योंकि जिस रूम में माल था उसमें ये नहीं रहते थे, बल्कि उसमें सिर्फ माल गोदाम के रूप में काम में ले रहे थे, और ये खुद दूसरे कमरे में थे। अचानक इनको पता लगा कि भाई यहाँ से धुआं आ रहा है, तो आसपास के लोगों ने इसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। और अंत पर पुलिस को इतला दी गई आसपास के लोगों द्वारा, और पार्षद स्वामी जो हमारे भाई सुभाष स्वामी हैं, उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड आने के बाद में अब आग काबू में है, और जो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है वो सस्ता का हुआ है। नाम हम तो रात को अपने कमरे में सोए हुए थे सबके सब। हमारा माल अलग एक रूम में रखा जाता है, जिसमें नकद भी पैसे थे, और लगभग 4-5 लाख का माल था हमारा, ये जो जल के खाक हो गया। हम लोग दिल्ली से हैं, सारे व्यापारी आदमी हैं, कब से तो हम ठीक लगाते हैं, और हमारे जो नकद पैसे है वो भी जल गए। ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए ट्रिपल एस न्यूज को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।